सो हैव एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाला है कि आखिर यूट्यूब व्यू क्यों रोक देता है। जैसे कि आपको पता होगा, मेरे चैनल पर आप जाकर चेकआउट कीजिए, शॉर्ट्स में आपको 34 यानी कि 34, 35, 36, 40, 50, 277 ऐसे करके 250, 300 पर व्यूज़ को रोक देता है। अब वो शॉर्ट्स को क्यों रोकता है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला है। अगर आपके भी चैनल पर शॉर्ट्स रुक रहे हैं अपलोड होने के बाद, कुछ शॉर्ट्स का व्यू गया या 1.72K ऐसे मतलब चला गया, फिर उसके बाद क्या होता है, वीडियोज़ को रोक दिया जाता है, तो वो क्यों रोकता है, कैसे रुकता है, वो आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और कैसे वो उसे बूस्ट अप कर सकते हैं वो भी आपको इस वीडियो में ही बताने वाला है कि कैसे वो फिर रुकने के बाद भी वो वीडियो ग्रो करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपने हमारे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे इसी तरीके के नॉलेज वाले वीडियो आपके लिए अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चले। तो देखिए, जैसे कि ये शॉर्ट्स क्यों रुकता है, जैसे कि आपको पता होगा कि शॉर्ट्स में आप ही शॉर्ट्स यूज करते हो तो वो क्या होता है कि कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है वो वीडियो को पूरे वॉच करते हो, और कुछ वीडियो आपको ऐसा लगता होगा जिस आप आते ही स्क्रॉल कर देते हो या फिर कुछ टाइम देखते हो उसके बाद स्क्रॉल कर देते हो। तो यूट्यूब क्या होता है कि वीडियो का ड्यूरेशन देखता है कि कितना देर इस वीडियो पर वॉच टाइम चल रहा है, यानी कितना वॉच कर रहा है लोग। अगर ज़्यादा लोग वॉच नहीं कर रहे हैं तो उस वीडियो को क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए पॉज कर देते हैं, और जो वीडियो पर वॉच चल रहा है उस वीडियो को वो ज़्यादा ग्रो करता है। तो मेन टॉपिक ये है कि इस वजह से क्या होता है कि यूट्यूब व्यूज़ को रोकता है, यानी कि उसका रोकता है। अगर नहीं सही व्यूज़ ड्यूरेशन रहा, यानी कि नहीं अच्छा वॉच टाइम चल रहा है उस पर, तो वो रोकता है। अगर दो चार लोग के पास फिर वो वीडियो को भेजा, फिर देखा कि इसका व्यूज़ सही आ रहा है, अगर जैसे चार लोग के पास भेजा और तीन लोग उसको अच्छे तरीके से वीडियो को देखे, तो क्या होगा कि फिर वो पाँच लोग के पास भेजेगा, 10, इसी तरीके से क्या होता है कि उस वीडियो को बूस्ट करता है। तो आप उस वीडियो को ऐसा ना करें कि वो डिलीट ना कर दे कि व्यूज़ नहीं जा रहा। हो सकता है कभी ना कभी वो वीडियो आपका व्यूज़ जाएगा और 100% जाएगा व्यूज़, और वो अच्छा खासा व्यूज़ चलेगा भी उस, मतलब अच्छा खासा चलेगा भी वीडियो। तो वीडियो को डिलीट करने का ना सोचे, ऐसा होता है कहीं का, आप ही का चैनल पर ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं उसके भी चैनल पर इस तरीके से हो रहा है। तो व्यूज़ के लेकर आप टेंशन ना लें, आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, आप देख सकते हो अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो व्यूज़ कम ही आते हैं, पर क्या हो, कंटिन्यू आप मेहनत करते रहोगे आपको कभी ना कभी कामयाबी मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं आपका वीडियो जब वायरल होगा तो आपको अच्छा लगेगा वीडियोज़। तो ऐसा नहीं है कि जब आपका व्यूज़ जाएगा तभी आपको वीडियोज़ बनाना, नहीं जाएगा तो नहीं बनाना, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी आपको वीडियोज़ पर व्यूज़ आएंगे, आपको ये अपने आप में मोटिवेट रहना है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसी तरीके से व्यूज़ को रोक दिया जाता है, रोक दिया नहीं जाता है बोले तो, वो सब यूट्यूब का पॉलिसी है, इसी तरीके से वो वार्ड करता है पूरा, कि जिस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, ज़्यादा चल रहा है उसे वो चलाता है, और जिससे नहीं चलता है उसे वो रोक देता है। कहीं आप देखते होगे कि सालों वीडियो पड़ा हुआ है पर उसमें 4 व्यूज़, 5 व्यूज़ या व्यूज़ ही नहीं है, तो वह ऐसा होते रहता है क्योंकि वो लोगों के पास नहीं जा पाता, गया भी तो वो देखे नहीं, ऐसे ही छोड़ दिए, तो इस तरीके से वो होता है। अब क्या करेगा यूट्यूब, जिस वीडियो पर व्यूज़ नहीं जा रहा है वो वीडियो को क्या करेगा यूट्यूब, हटा देगा। जो कि पहले का वीडियो, बहुत सारा पहले का वीडियो पड़ा हुआ है, वो चैनल पर व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, और वो चैनल ही नहीं, मतलब बोले तो पूरी तरीके से चैनल वो ऑफ है, वो चैनल को यूज़ नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, वो सबको हटाएगा। और जो वीडियो अब बोले तो अभी अपलोड हो कर रहे हैं, लोग एक्टिव है जिस चैनल पर, वो चैनल ही अच्छा चलने वाला है। तो आपको एक चीज़ बता दें, इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जिसका व्यूज़ कम आ रहा है, जैसे कि मेरा भी कम आ रहा है, तो इस तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि चैनल को ही डिलीट करके दूसरा चैनल बना लेना है। ऐसे क्या होगा कि आप चैनल बनाते रहोगे, बनाते रहोगे, नया नया जो चैनल होता है वो कई लोगों का ऐसा लाख जो होता है उसी का व्यूज चला जाता है, नहीं तो काफ़ी लोगों का चार पाँच, तो किसी का अच्छा खासा व्यूज भी चलने लगता है। तो आपको ये सब नहीं करना है, चैनल को डिलीट वगैरह नहीं करना है, एक ही चैनल पर मेहनत करते रहना, आपको 100% व्यूज जाएगा ही जाएगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, टेक्निकल और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर आते रहते हैं, और यूट्यूब अपडेट्स से रिलेटेड भी चैनल वीडियोज हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप विजिट किए हैं तो रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन वीडियो जब भी अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और उस वीडियो को बड़े आसानी से देख पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।